नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गो विद गोपाल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हृदयेश दुबे जी के उस संदेश के बारे में जो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात से पहले और मुलाकात के बाद भेजा है। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बताते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं हृदयेश दुबे जी का वो संदेश जो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात से पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षा मित्रों तक पहुँचाया। हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक ये संदेश पहुंचाते हैं। उन्होंने सुबह ही जानकारी दी थी कि साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी के 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर पहुंच गया हूं। माननीय सांसद जी के आशीर्वाद से आज 8:30 पर अपनी बात रखूंगा। शेष मुलाकात के उपरांत, यानी वो अभी वहाँ पर मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचे हैं, अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। 8:30 बजे उन्होंने उससे पहले ही मैसेज भेजा था। ये हृदयेश दुबे जी ने अपना वहाँ का फ़ोटो भेजा है, सेल्फी है उनकी कि वो वहाँ मौजूद हैं। लेकिन उनसे मुलाकात के बाद जो उन्होंने संदेश दिया वो इस प्रकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर 11 मिनट की मुलाकात में शिष्टता से सभी शिक्षा मित्रों की बात रखने का प्रयास किया। कुल मिलाकर आज लगभग 16 माह बाद उनसे भेंट हुई, लेकिन मुझे देखने के बाद वह पहचान गए और उनके संबोधन ने तुम्हारा भी नहीं हुआ आहत किया। लेकिन अंदर की भावना को रोकते हुए बस इतना हमने कहा, जब तक महाराज जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक हमारा कहाँ हो सकता है। उसके बाद उन्होंने मुस्कुराकर मेरे पत्र को पढ़ा और जो कहा वह लिखना उचित नहीं। बस इतना कहूँगा, उनको सब बात ज्ञात है। कल अयोध्या के महंत का जिक्र भी उन्होंने किया और जल्द ही कुछ अच्छा करने का आशीर्वाद भी दिया। लेकिन हम लोगों को सभी जनपदों से याचना का दौर युद्ध स्तर पर शुरू करना भविष्य के लिए और हितकर होगा। बाकी सब डिप्टी CMG के आवास पर आ गया हूँ, यहाँ भी अपनी बात रखने का प्रयास करूँगा। ये उन्होंने फ़ोटो भेजा है डिप्टी CMG के यहाँ वेट करते हुए, इंतजार करते हुए। तो इस संदेश में अभय कुमार सिंह जी ये संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षा मित्र अपने अपने ज़िले में किसी भी तरीके से भाजपा प्रतिनिधियों को ये संदेश भेजे कि शिक्षा मित्र अब उनकी ओर बड़ी आशा की निगाहों से देख रहा है, जल्द से जल्द उनका कल्याण करें माननीय मुख्यमंत्री जी। तो बस ये जानकारी थी आज हृदयेश दुबे जी तरफ से। और भी कोई जानकारी आगे मिलेगी तो हम इसी चैनल के माध्यम से आपको वो जानकारी देंगे। पास आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।